हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश दवे आपको फिर से वेलकम करता हूं आपके फेवरेट होम्योपैथिक चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक, कोरोना के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स और उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से यूजफुल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं आपको एक बहुत ही वैरिड रेंज ऑफ मेडिसिन बताने वाला हूँ, साथ ही कुछ ऐसे केसेस जो मैंने कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को ठीक किए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम लोग एक ये गुड वर्ड्स जो हैं अबाउट होम्योपैथी और किस तरह से होम्योपैथी जबरदस्त रिजल्ट्स दे रही है आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब कोरोना में तो दे ही रही है मगर कोरोना के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रही है, हम लोग उसको स्प्रेड कर पाए। सो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस जो कोरोना के लोग पेशेंट ठीक होकर कोविड सेंटर से वापस आ रहे हैं उनको अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस है, किसी को बाद में भी कफ कंटिन्यू बना हुआ है, किसी की एपेटाइट लॉस है वो रिकवरी नहीं हो पा रही है, किसी का वेट लॉस एक बड़ा मेजर इशू हम लोगों ने देखा है कि वेट लॉस बहुत हो रहा है कोरोना के केसेस में। और इस तरह से एक कुछ बेसिक ये 4-5 लक्षण हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक मेजर साइड इफेक्ट हम लोगों ने जो देखा है, वीकनेस। कई लोगों को कई दिनों तक वीकनेस बनी हुई है कोरोना कंप्लीट, जब अब पेशेंट ठीक होके आ रहा है उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक कमजोरी थकान महसूस कर रहा है पेशेंट। तो उस कमजोरी थकान के पहले सबसे पहले मेरी जो दो प्राइमरी आपको इंडिकेशन, जो प्राइमरी के इंडिकेटेड मेडिसिन हैं पेटेंट बताऊं होम्योपैथी में, तो सबसे पहले तो आप अल्फा अल्फा टॉनिक, अल्फा अल्फा माल्ट, उसमें भी मेडिसिन का माई फेवरेट चॉइस पर्सनल के साथ में आप यूज कर सकते हैं 5-फॉस या बायोकेमिक चॉइस नंबर 4-4 गोली दिन में 3 बार। और इसके बाद एक वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन आती हैं, कुछ 3-4-5 मेडिसिन हैं जो इस कंडीशन के लिए यूजफुल हैं वीकनेस के लिए। जैसे सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो आर्सेनिक, अगर आप लोगों ने पहले नहीं ली है चाहे कोरोना के समय हो या प्रिवेंशन के समय, तो आर्सेनिक आपको एज अ कंपल्सरी मेडिसिन सुबह शाम लेनी ही चाहिए। वो वीकनेस, कफ, प्रोस्ट्रेशन, सब थकान सब में हेल्पफुल है। इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जो लोग होम्योपैथी में कार्बोवेज जानते हैं वो ये जानते हैं कि कार्बोवेज मींस प्रोस्ट्रेशन, टोटल थकान, बीमारी के बाद की जो थकान है उसमें कार्बोवेज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तीसरी मेडिसिन की बात करूं तो स्टेनम मेट पर्टिकुलरली एक ऐसी मेडिसिन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के बाद में अगर कमजोरी रह गई है या ड्यूरिंग दौरान, इस दौरान भी अगर व्यक्ति को छाती में कमजोरी, सीने में कमजोरी महसूस हो रही है, तो स्टेनम मेट एक बहुत अच्छा टॉनिक के रूप में एक्ट करती है और पेशेंट को तुरंत रिकवर देती है। कफ अगर है उसको, प्रोफ्यूज कफ है, बहुत कफ निकल रहा है और अगर आराम नहीं हो रहा है, तो स्टेनम मेट इज अगेन अ वेरी गुड मेडिसिन। स्टेनम मेट के बाद में मैं आपको बताऊं कि एंटीम टार्ट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक या कफ, प्रोफ्यूज कफ जिसमें है, जैसा स्टेनम मेट का है ऑलमोस्ट लगभग सेम है वैसा ही एंटीम टार्ट का है, प्रोफ्यूज कफ है और बिल्कुल खांस खांस के और बलगम निकल निकल के पेशेंट परेशान है और बहुत थक गया है, कमजोर है, तो एंटीम टार्ट उसके लिए यूजफुल है। अब मैं आपको अपने अभी रिसेंटली जो मैंने बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं, क्योंकि मैं चूंकि कोविड से कनेक्टेड हूं और काफ़ी सारे पेशेंट मुझसे टच में रहते हैं तो वो मुझसे कंसल्ट करते रहते हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, तो मुझे उसका रिस्पांस भी पता चलता है। एलोपैथी में जहां मल्टीविटामिन और विटामिन सी की बात है तो दैट इज़ अ गुड, एक सप्लीमेंट अगर साथ में चलता है तो वो यूजफुल होता ही है। पर इसके अलावा आप जब हम होम्योपैथिकली पेशेंट को देखते हैं तो होम्योपैथी पेशेंट को देखने पे क्या रिस्पांस आता है या क्या सिम्टम्स पेशेंट दे रहा है उसके हिसाब से मेडिसिन सिलेक्ट होती है और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ केस, मैं आपको 2-3 केसेस बता देता हूँ अलग अलग वेराइटी के जिसमें हमने क्या क्या मेडिसिन दी और किस तरह से उसके रिजल्ट आए। तो अभी जो एक जो केस था, दैट वॉज अ लेडी ऑफ अराउंड 40 ईयर्स,
और उनको कोविड केयर से वो 10 दिन का उनका पूरा पीरियड पूरा करके और वापस आ गई थी, मगर उनको थकान, सांस लेने में दिक्कत और नाक बंद होना, निजल ऑब्स्ट्रक्शन, ये 3-4 सिम्टम्स आ रहे थे। एपेटाइट लॉस थी, भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो वो जब मेरे पास आए तो मैंने उसको रेपेटराइज किया और द मेडिसिन ऑन द टॉप वॉज आर्सेनिक। उसके साथ में 5-फॉस दिया और एक, जैसा मैंने आपको बताया था, अल्फा अल्फा टॉनिक दिया। तो वो विदिन 2 डेज उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया और अब वो बिल्कुल हेल्दी हैं और काफी अच्छा फील कर रही हैं। जो सेकंड केस है उसमें पेशेंट जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस का कंप्लेंट लेकर आई थी। उनको भूख बिल्कुल नहीं थी और शी वॉज अ यंग लेडी ऑफ अराउंड 35। और उनको मैंने, मेरी जो पर्सनल फेवरेट, अगर एपेटाइट लॉस है या भूख नहीं लग रही है, तो चाइना और कार्बोवेज और चेरिडोनियम, ये 3 का कॉम्बिनेशन मैंने उनको दिया था। और उसके साथ में एक एपेटाइजर जॉन्डिला मैंने उनको दिया था और 5-फॉस अगेन, ताकि जो नर्व इंजुरीज हैं वो रिकवर कर पाए हमारी। और इस तरह से वो भी 2-3 दिन में उन्होंने पूरी तरह से रिकवर किया। शी इज फीलिंग गुड और अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ताकि एक उनका लगभग 5-7 किलो वेट लॉस हुआ है, तो वेट लॉस भी कवर हो। वेट लॉस कवर करने में एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है अल्फा माल्ट। अल्फा माल्ट जो होता है वो भी मैं मेडिसिन का ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट और उसका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट है। और बहुत लंबे समय से मैं उसको लगभग 15 साल भी, 17-17 साल से उसको अपने प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कभी उसने निराश नहीं किया है। तो उसको आप दूध में 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है ना। तो वेट लॉस के लिए हम लोगों ने उसका यूज किया, एपेटाइट लॉस हो गया, वेट लॉस कवर कर लिया हमने, वीकनेस कवर कर लिया। ये मैं आपको 2-3 केसेस बता चुका हूँ। अच्छा, एक कफ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस, बहुत बहुत अच्छा केस था जो मैं आपको और आज शेयर करता हूँ। वो ये है कि उस पेशेंट को कोविड से ठीक होने के बाद भी बहुत ज्यादा कफ बना हुआ था, मतलब सारे एंटीबायोटिक्स ले चुका था वो, मोक्सक्लेव हो या एजिथ्रोमाइसिन हो, सारी चीजें लेने के बाद भी कफ में रिलीफ नहीं हो रहा था। तो उसको जब मैंने रेपेटराइज किया तो जो सिम्टम्स थे उसको, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूस पर्सपायरेशन हो रहा था, बहुत कफ आता था और इस तरह से उसका प्रॉब्लम बनी हुई थी। तो ही वॉज गिवन स्टेनम मेड, जैसा मैंने अपन ने अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया, स्टेनम मेड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टेनम मेड के साथ में बायोकेमिक 6 नंबर और आयरप ट्यूसिटिन प्लस, जो कि श्वाबे इंडिया का है इसका, जो कि मुझे लगता है कि कोविड के बाद के जो कफ में है, मैं नॉर्मली ट्यूसिटिन प्लस यूज कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, और वो बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट भी दे रहा है। तो ट्यूसिटिन प्लस वॉज गिवन और उसके साथ में जो, चूंकि वीकनेस और थकान थी, तो 5-फॉस इज माई फर्स्ट चॉइस अगेन, सो इट वॉज, वो भी दिया गया। और लगभग 4-5 दिन के अंदर ही वो पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर किया एंड ही इज फाइन नाउ। अब उनको कफ की कंप्लेन नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस आर सम व्हाट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना, और उसके बाद में क्या क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं और मेरे कुछ केसेस। सो आई थिंक ये आपके लिए भी यूजफुल होंगे, और आपके अगर कुछ पेशेंट्स हैं तो वो भी इसको अपने यूज में सिम्टम्स के अनुसार लेके और अपने आप को बेटर फील करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा है कोरोना। सो फ्रेंड्स, टेक केयर। अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग जो आफ्टर इफेक्ट्स से पेशेंट्स परेशान हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएं। और होम्योपैथी इज अ वंडर मेडिसिन। आप लोग अगर आपके पास में कोई डॉक्टर है तो उसको जरूर कंसल्ट करें, ही इज द बेस्ट जो आपको हेल्प कर पाएगा। टिल देन आप लोग ध्यान रखें अपनी तबीयत का, मास्क वेयर करें, इसका कोई तोड़ नहीं है। कोरोना की वैक्सीन अभी सिर्फ मास्क है, तो मास्क का बाहर, घर से बाहर निकलते ही आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए। मैं बार बार वही बात दोहराऊंगा क्योंकि लोग अभी भी अवेयर नहीं है। सो प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखें। हम लोग नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।